सुनने में आया है कि आप भी चुनाव लड़ने वाले हैं। चिराग पासवान से आपका मुलाकात हुआ, क्या लोजपा से आने वाले हैं? पवन भैया का चुनाव प्रचार करने खेसारी लाल यादव जी जाएंगे, तो आपको क्या लगता है कि ऐसा होगा? क्योंकि लगातार उन दोनों में सोशल मीडिया पे विवाद ही छिड़ते रहता है हमेशा। कि दिल के समझावे में कुछ दिन तलगावे करी। कि गुंजन भैया जब सांसद बन जाएंगे तो वो गायकी करेंगे या नहीं करेंगे? ठेकेदारी ठीका खुद नहीं करेंगे। जी जी, मेरे सभी भाई लोग करेंगे, जनता जनार्दन करेगा। और टॉप 10 भोजपुरी दोस्तों, आज हमारे साथ हैं मगध की आन बान शान नवादा जिला के शेर भोजपुरी सुपरस्टार सिंगर एंड एक्टर गुंजन सिंह जी। सर स्वागत है आपका, कैसे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल के माध्यम से देखे वाला तमाम दर्शक के हम प्रणाम करते हैं। सर आज गाने की शूटिंग हो रहा है, कितने गाने की शूटिंग हो रही है? आज तो चल रहा है सुबह से ही शूटिंग, इस धूप इस गर्मी में करीब 5 गाना का शूटिंग होगा, पूरी रात चलेगा ये शूटिंग। जी कौन से कंपनी से ये गाना आने वाला है? ये गाना आएगा मिनी इंटरटेनमेंट से। जी, जो आज गाने की शूटिंग हो रही है, कब तक दर्शकों को देखने को मिलने वाला है? बहुत जल्द 2-3 दिन से शुरुआत हो जाएगा। जी, बहुत सारा गाना और शुरुआत होगा जल्द से ही, जैसे शूटिंग होगा, एडिट होगा, रिलीज होगा। मतलब कि मिनी एंटरटेनमेंट के लिए लगातार मेहनत जारी है एकदम। हाँ एकदम। हाल ही में आपका एक इंस्टाग्राम पे पोस्ट देखे थे चिराग पासवान जी के साथ, क्या मुलाकात का कोई रीज़न या बताना चाहेंगे कुछ? अरे नहीं, हम लोग मिलते जुलते रहते हैं और बड़े भाई समान हैं, अच्छा लगता है उनका कार्य, बहुत अच्छा मेहनत करते हैं, बहुत अच्छा दुख दर्द को बताते हैं, बिहार के हर दुख दर्द को दूर करने का कोशिश करते हैं, अच्छा लगता है उनका मुझे ये पॉलिटिशियन। जिस तरह से चिराग पासवान जी मेहनत कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि बिहार के सीएम उन्हें बनना चाहिए? देखिए प्रयासरत हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और युवा हैं, सबसे बड़ी बात है युवा हैं और मेहनती हैं। जी, अब आगे देखिए कैसे क्या होता है, समीकरण क्या बनता है। सुनने में आया है कि आप भी चुनाव लड़ने वाले हैं। अरे तो सब दर्शक लोग का जो इच्छा होगा, जो जनता जनार्दन का इच्छा होगा वो किया जाएगा, बाकी हम लोग आगे का प्लान तो यही रहेगा कि गायक हैं, अभिनेता हैं, फिर नेता, क्योंकि सेवा ही करना, जैसे अभी सेवा कर रहे हैं गाने के माध्यम से, लोगों के दिल में बस करके जी मनोरंजन कर रहे हैं, वो भी एक सेवा है। सांसद के रूप में गुंजन सिंह जी कब दिखने वाले हैं? ये तो जनता जनार्दन बताएंगे, बाकी ईश्वर के ऊपर छोड़ दीजिए, अब जनता जनार्दन पे छोड़ दीजिए। पहले मनोज तिवारी जी, फिर रवि किशन जी, फिर दिनेश लाल यादव जी, और बड़े भैया आपके पवन सिंह जी भी चुनाव लड़ने वाले हैं, क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत बधाई, और नंबर भी है, 8-10 साल से जी बीजेपी में सेवा कर रहे हैं जनता के बीच में, तो एकदम आना चाहिए, भैया भी आएंगे और हमने बात तो होते रहे एक दिन कि दोनों भाई आवे के। जी बिल्कुल, मतलब दोनों भाई एक साथ ही कदम रखने वाले हैं चुनावी क्षेत्र में। देखिए बाकी हम लोग प्रयासरत हैं, बाकी पार्टी के ऊपर निर्भर करता है कि लोग कब हम लोग को सक्रिय करती है पार्टियाँ, बाकी हम लोग जनता के ऊपर हैं, जनता मेरी भगवान है, जैसे अभी हम बोलते हैं वैसे कल भी बोलेंगे और हम लोग सेवा के लिए ही आएंगे, क्योंकि हम लोग जिस जगह पे हैं वो बहुत बड़ा क्षेत्र है भोजपुरी मगही, हम लोग गाना गाते हैं, फिल्म बनाते हैं, तो 30-40 करोड़ लोग हमको पहचानती है जी। तो ये जगह काफ़ी ऊपर है, लेकिन सांसद एक अलग है, ये एक अलग गरिमा है, इसका ताकत अलग है, इसका पावर अलग है, और जनता के बीच में सेवा करने का मौका मिलेगा, जो कुछ दिखता है अभी के समय में दुख दर्द कि कहीं ये चीज़ की कमी है, उसको हम लोग भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो वो बन करके वो कार्य को करेंगे और जहाँ तक बनेगा हम लोग ईमानदारी पूर्वक काम करेंगे और जनता का सेवा करेंगे। गुंजन भैया कौन से पार्टी से आएंगे? देखिए अभी कुछ सुनिश्चित नहीं हुई है पार्टी का, बाकी बातचीत चल रहा है। चिराग पासवान से आपका मुलाकात हुआ, क्या लोजपा से आने वाले हैं? अभी हम तो बोले कि अभी कोई फाइनल नहीं हुआ कि कहाँ से आएंगे, बस भगवान जाने और जनता लोग जाने, बाकी आएंगे अच्छा से। पवन भैया जी चुनाव लड़ रहे हैं, उनको क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे? बहुत बहुत शुभकामना,
हम लोग साथ में हैं और जहाँ से भी लड़ेंगे अच्छा रहेगा। हाल ही में एक अखिलेश का सब्जी इंटरव्यू देते हैं और उनमें कहते हैं कि पवन भैया का चुनाव प्रचार करने खेसारी लाल यादव जी जाएंगे, तो आपको क्या लगता है कि ऐसा होगा, क्योंकि लगातार उन दोनों में सोशल मीडिया पे विवाद ही छिड़ते रहता है हमेशा। देखिए, हम सभी लोग भाई हैं, हम लोग सभी कलाकार एक हैं जी, और एक होकर रहना भी चाहिए, तभी भोजपुरी का विकास होगा, मगही का विकास होगा। तो जब अभी जो चुनाव हुआ था दिनेश लाल यादव भैया का, तो हम सभी लोग गए थे, कॉल आया था, तो हम लोग गए, प्रचार किए, जीते भी। तो कोई भी जा सकता है किसी के प्रचार में, एक परिवार है भोजपुरी परिवार, कोई भी जा सकता है और जाना चाहिए। अब हमारा सहयोग और सभी कलाकार नहीं करेंगे, हम उनका नहीं करेंगे तो फिर कौन करे जी। हाँ, तो सब लोग मिलजुल कर रहें और आगे बढ़ते रहें, बस यही कामना करते हैं। आपके साथ हैं और कोई गाना ना सुने तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। आपका हाल ही में एक सैड सॉन्ग आया है फटाफट भोजपुरी चैनल से, वो सुना दीजिए जरा। एक गाना आया है दिल के समझावे। हाँ हाँ, हम कि दिल के समझावे मैं कुछ दिन तलगबे करी, हिलो रवा सुखावे मैं हाय कुछ दिन तलगबे करी, कि गिरे अखिया से पानी याद आवे कहानी, कि गिरे अखिया से पानी याद आवे कहानी, हिलो रवा सुखावे मैं कुछ दिन तक लगावे करी हो। भैया, आपका जो गाना रहता है वो दिल टूटे हुए आशिकों के लिए पेन किलर का काम करता है। एक जाते जाते लास्ट सवाल रहेगा कि गुंजन भैया जब सांसद बन जाएंगे तो वो गायकी करेंगे या नहीं करेंगे? एकदम करेंगे, गाना भी गाएंगे, फिल्म भी बनाएंगे और अपने क्षेत्र के विकास के लिए जी खून पसीना एक कर देंगे। जो कमियाँ नवादा ज़िले में है उन्हें पूरा करेंगे भैया? एकदम, जो जनता का डिमांड होगा सारा कुछ पूरा करेंगे, और हम ठेकेदारी ठेका खुद नहीं करेंगे जी, जी मेरे सभी भाई लोग करेंगे, जनता जनार्दन करेगा, जो लोग क्षेत्र के लोग हैं सबको काम दिया जाएगा जी। बिल्कुल, जिस तरह से बिहार में राजनीतिक लोगों को भ्रष्टाचार का इल्ज़ाम दिया जाता है तो वो नहीं होगा, गुंजन भैया ईमानदारी से अपना काम करेंगे। एकदम एकदम, ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका, जाते जाते दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? सब लोग प्यार आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखें, कोई गलती सलती हो जाए तो छोटा भाई छोट बेटा भतीजा समझ के माफ़ कर देवे के जी। बाकी हम लोग एक कलाकार हैं और आगे जो आदेश होगा आप लोग का वो पालन करेंगे। जय श्री राम। जय हो। आपने इतना समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आज हमारे साथ थे गुंजन सिंह जी और ये भी चुनाव लड़ने वाले हैं, इनके बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।